तिलों को गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर लगभग उतनी ही गजाइत और ताकत होती है जितनी कि गोश्त में पाई जाती है। इस वीडियो में आपको तिल इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हैरानकुन फायदों के बारे में बताएंगे, इनको इस्तेमाल करने का सही तरीका बताएंगे, किस मिकदार में और किस वक्त आपने इस्तेमाल करने हैं ये भी बताएंगे, और किन लोगों को तिलों का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए, और ये भी बताएंगे कि अगर आप गलत तरीके से इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं और ज्यादा महंगी गजा को आजकल अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए आजकल तिलों का इस्तेमाल बेइंतहा जरूरी हो चुका है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तिल दो रंग के होते हैं, ये सफेद भी होते हैं और काले भी होते हैं। अगर 3 टेबलस्पून यानी 30 ग्राम तिलों की बात करें तो उनके अंदर आपकी डेली की जरूरत का 22% कैल्शियम, 25% मैग्नेशियम, 32% मैग्नीज और 21% जिंक मौजूद होते हैं। इसके अलावा 3.5 ग्राम फाइबर और 5 ग्राम प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तिलों के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ बहुत से जरूरी प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, यानी ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। तिल इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में मौजूद बुरा कोलेस्ट्रॉल और खून में मौजूद चर्बी के छोटे छोटे जरात यानी ट्राइग्लिसराइड तेजी से कम होते हैं। बॉडी में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दिल के अमराज और हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन तिलों के अंदर 41% पॉली अनसैचुरेटेड फैट और 39% मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो कि गुड फैट्स होते हैं, जो कि हमारे जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को तेजी से कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। तिलों के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके दिल को ताकत मिलती है बल्कि आप दिल के अमराज से भी महफूज रहते हैं। तिल को गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ बहुत ज्यादा ताकत मिलती है बल्कि इनके अंदर तकरीबन गोश्त जितनी ही गजाइत मौजूद होती है। 3 खाने के चम्मच तिलों से आपको 5 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन हासिल हो जाता है। एक सेहतमंद जिस्म के लिए प्रोटीन बेइंतहा जरूरी है क्योंकि प्रोटीन की जरूरत ना सिर्फ हमारे जिस्म को मसल्स बनाने के लिए बल्कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको बनाने के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो लोग गोश्त को अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग तिलों का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत आएगी, आपकी उम्र लंबी होती है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी का खात्मा हो जाता है, आपके पट्टे मजबूत होते हैं। तिल के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है जो कि बॉडी को रिपेयर करता है। लेकिन तिल के अंदर मौजूद प्रोटीन आपके जिस्म का हिस्सा बने उसके लिए इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना बेइंतहा जरूरी हो जाता है, जो कि अभी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तिल इस्तेमाल करने से जिस्म में खून पैदा होता है और खून की कमी दूर हो जाती है क्योंकि ये आयरन, कॉपर और विटामिन B6 से भरपूर होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत आपके जिस्म को खून बनाने के लिए होती है और ज्यादातर लोगों में इन्हीं की कमी की वजह से खून की कमी होती है। तिल इस्तेमाल करने से स्किन पर ग्लो आती है, फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा होता है और चेहरे की स्किन टाइट होती है। तिल के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए अगर आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान नजर आना चाहते हैं तो इनका इस्तेमाल लाजमी करें। तिल इस्तेमाल करने से आपकी बालों की ग्रोथ में भी इजाफा होता है और वो बहुत जानदार और शानदार नजर आने लगते हैं क्योंकि इनके अंदर भरपूर मिकदार में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अगर उम्र से पहले आपके सफेद बाल आ रहे हैं तब भी आप इनको जरूर इस्तेमाल करें, उम्र से पहले तो छोड़े, उम्र होने पर भी आपके सफेद बाल नहीं आएंगे। तिल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड समेत रोगनियात यानी गुड फैट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके दिमाग की गजा है और आपके दिमाग को ताकत देती है। यही वजह है कि तिलों को खास तरीके से इस्तेमाल करने से, जो कि अभी आपको वीडियो में आगे बताते हैं, दिमाग की कुनपन दूर होता है, आपके दिमाग को ताकत मिलती है, सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है और आपकी याददाश्त भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर दिल के अमराज और फालज की मेन वजह बनता है, लेकिन तिल इस्तेमाल करने से आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इनके अंदर भरपूर मिकदार में मैग्नेशियम पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसी तरह इनके अंदर लेगनिन्स और विटामिन ई भी पाया जाता है जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों और शरियानों में नहीं जमता। खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना ही असल में हाई ब्लड प्रेशर की मेन वजह बनता है। इस तरह तिलों के इस्तेमाल से आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। यही वजह है कि इनका शुमार हार्ट हेल्दी फूड्स में होता है। तिल आपके गुर्दे और मसाने को ताकत देते हैं। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला है वो अगर तिल इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही दिनों में इस मसले से निजात मिल जाएगी। इसी तरह वो बच्चे जो बिस्तर पर ही रात को पेशाब कर देते हैं, अगर उन्हें सोने से 1 घंटा पहले 1 चाय का चम्मच तिल इस्तेमाल करवा दिए जाएं तो वो कभी भी बिस्तर को गीला नहीं करेंगे। तिल इस्तेमाल करने से ब्लड में शुगर का लेवल कम होता है।
है और ब्लड शुगर को मैनेज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम पाए जाते हैं जबकि प्रोटीन और हेल्दी फैट्स बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। इसी तरह इनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसलिए अगर आप टाइप 2 डायबिटीज से बचना चाहते हैं या आपकी फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज का मर्ज है तो इनको ऐसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तिल का इस्तेमाल थायराइड के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है और उनको रिलीफ देता है, क्योंकि तिलों के सिर्फ एक सर्विंग इस्तेमाल करने से आपको आपकी डेली की जरूरत का 18% सेलेनियम मिल जाता है। इसके अलावा इनके अंदर आयरन, कॉपर, जिंक और विटामिन B6 भी काफी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी जरूरत थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन्स की प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसके अलावा तिल इस्तेमाल करने से बॉडी में हर किस्म के हार्मोनल इम्बेलेंस का खात्मा होता है और आपके हार्मोन बैलेंस में आ जाते हैं, जिससे आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और मसाइल से बचे रहते हैं। तिल इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां और दांत भी मजबूत होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक, यानी वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत रहने के लिए होती है, काफी मिकदार में पाए जाते हैं। इसी तरह अगर आपके जोड़ों और घुटनों में दर्द रहता है तब भी इनका इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये हड्डियों और जोड़ों में आने वाले भुरभुरेपन का खात्मा करते हैं। अगर आप कुछ दिन तिल ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो जोड़ों और घुटनों के दर्द में वाजिया फर्क देखेंगे। दुनिया भर के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको 3 वजहों की बुनियाद पर तिल रोजाना इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। पहली के इनके अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, दूसरी इनके अंदर ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, और तीसरा ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। हमारी बॉडी में पैदा होने वाली इन्फ्लामेशन यानी सोजिश बेहद खतरनाक होती है और बहुत सारी बड़ी बीमारियों की असल वजह बनती है। और इसी तरह हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं हमारे सेल्स के अंदर जो कि हमारी बॉडी और सेल्स को डैमेज करते हैं और बहुत सारी बड़ी और खतरनाक बीमारियों जैसे कि कैंसर, मोटापे, शुगर के अमराज, जिगर के अमराज और गुर्दों के अमराज पैदा करने की असल वजह बनते हैं। लेकिन तिलों का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है बल्कि इनके अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करते हैं। इसी तरह तिलों के अंदर जिंक, सिलेनियम, कॉपर, आयरन, विटामिन B6 और विटामिन ई भारी मिकदार में मौजूद होते हैं, जिनकी जरूरत आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रहने और ठीक तरह से काम करने के लिए होती है। तिल आपके फेफड़ों को ताकत देते हैं और सांस के निजाम को मजबूत बनाते हैं, इसलिए अगर आपको दमा है या सांस से रिलेटेड किसी भी किस्म का मसला है तो तिल लाजमी इस्तेमाल करें। तिल फाइबर से भरपूर होते हैं और आपके मेदे और आंतों के लिए बहुत बेहतरीन रहते हैं। तिल आपके दिमाग और असाब को भी ताकत देते हैं, दिमागी कुनपन का खात्मा करकर याददाश्त को तेज बनाते हैं। तिल इस्तेमाल करते रहने से आपकी नजर भी तेज होती है। लेकिन तिलों से इन तमाम फायद को हासिल करने के लिए तिलों का ठीक तरीके से इस्तेमाल बे इंतहा जरूरी हो जाता है। आप रोजाना के 2 खाने के चम्मच तक तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने तिलों को इस्तेमाल करने से पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी बिना तेल के इन्हें तवे या किसी बर्तन में भून लेना है। तिलों को भून लेने से इनमें मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और तिलों में मौजूद तमाम ही न्यूट्रिशन बेहतर तौर पर आपके जिस्म का हिस्सा बन पाती है। तिल से भरपूर फायदे हासिल करने के लिए आप इस रेमडी को भी अपने पास बनाकर रख सकते हैं। रेमडी को तैयार करने के लिए आपको 200 ग्राम तिलों की जरूरत पड़ेगी, 50 ग्राम बादामों की और 50 ग्राम खशखाश की जरूरत होगी। सबसे पहले आपने तिलों को लेकर उन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद तिलों को ठंडे होने देना है। जब तिल ठंडे हो जाएं तो आपने तिलों को ग्राइंडर में डाल देना है और बादामों और खशखाश को भी डालकर तमाम चीजों को ग्राइंड कर पाउडर तैयार कर लेना है। आपकी रेमडी तैयार है। इस रेमडी को आप ज्यादा मिकदार में बनाकर 1 महीना तक सेव कर भी रख सकते हैं। आपने रोजाना के इस रेमडी के 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर लिया करने हैं। मजीद फायदे के लिए आप इस रेमडी को दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।